नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं आपके साथ। मैं हूं अमन चोपड़ा, सीधे राजस्थान से। हम आपके लिए मॉर्निंग डिबेट लेकर आए क्योंकि मुद्दा राजस्थान का है, राजस्थान की रण का है। 7 तारीख को मतदान, 2 तारीख आज हो चुके हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो 5 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो फिर सिर्फ 4 दिन का चुनाव प्रचार, 4 दिन की चांदनी है चुनाव प्रचार की जो बची है, क्योंकि 2 तारीख हो चुकी है। और इसलिए तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत राजस्थान में झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, रफाल का मुद्दा भी उठ चुका है और इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दे उठ चुके हैं, बजरंग बली से लेकर अली से लेकर सब कुछ हो चुका है। और अब एंट्री हुई है राजस्थान की चुनावों में हिंदुत्व कार्ड की। ये हिंदुत्व कार्ड खेला गया है इस बार कांग्रेस की तरफ से। जी हाँ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाया। नकली हिंदू वर्सेस असली हिंदू की लड़ाई राजस्थान में शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस्म के हिंदू हैं। ये सवाल, किस किस्म के हिंदू हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने गीता ज्ञान भी दिया राहुल गांधी ने, और ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की नींव को नहीं पहचानते हैं। हिंदुत्व का आधार क्या है, हिंदू होने का मतलब क्या है, उसका एसेंस क्या है, गीता में क्या लिखा है, ये समझाया राहुल गांधी ने। और ये साबित करने की कोशिश की कि पीएम मोदी एक तरीके से नकली हिंदू हैं, वो हिंदू होने का मतलब नहीं समझते हैं। पलटवार हुआ सुषमा स्वराज की तरफ से, रविशंकर प्रसाद की तरफ से। सुषमा स्वराज ने कहा कि दरअसल कंफ्यूज हैं राहुल गांधी अपने धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर खुद कंफ्यूज हैं। आपको बता दें, बीजेपी तो राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर गोत्र घोटाला करने का आरोप लगा चुकी है। रविशंकर प्रसाद सामने आए, उन्होंने कहा कि चुनाव को देखकर धर्म बदलते हैं राहुल गांधी और फिर लावादा बदल लिया जाता है चुनाव के हिसाब से, चुनावी हिंदू, चुनावी मुस्लिम, ये सब चीजें की जाती हैं। ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया। 5 बड़े सवाल कौन से रहने वाले हैं इसी मुद्दे के इर्द गिर्द। सवाल नंबर 1, जनेऊधारी राहुल सिखाएंगे मोदी को हिंदुत्व का पाठ। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हिंदुत्व ज्ञान से राजस्थान में होगी कांग्रेस की सत्ता साधना, क्योंकि 25 साल से एक पार्टी रिपीट नहीं हुई है, तो ये मौका कांग्रेस पार्टी के पास, तो इसी वजह से क्या ये हिंदुत्व कार्ड, हिंदुत्व ज्ञान। सवाल नंबर 3, 2019 से पहले फिर से नरम हिंदुत्व वर्सेस गरम हिंदुत्व, बल्कि नकली हिंदू वर्सेस असली हिंदू, कौन असली हिंदू है, हिंदुओं को भी क्या बांटने की कोशिश। इसलिए चौथा सवाल ये कि कांग्रेस ने क्या सत्ता के लिए हिंदुत्व का बंटवारा कर दिया। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजेंद्र झा, राज जो किसी ने जलने से, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, और आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्मगुरु है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आचार्य जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले हमारे साथ तरुण चुग जो कि बीजेपी के नेता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव अरोड़ा कांग्रेस के नेता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना हाजिर खान मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव अरोड़ा जी, अगर आप ही समझा पाए किस किस्म के हिंदू हैं मोदी, अगर आप समझा दें। सवाल है राजीव अरोड़ा जी, आप ही से मेरा सवाल है। राहुल जो हिंदू धर्म, जी किस किस्म के हिंदू हैं मोदी, जी बोलिए। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव को ना तो धर्म के आधार पर लड़ती है और ना लड़ना चाहती है कभी भी। हम लोगों ने हमेशा हर धर्म जाति को साथ लेके चलने का काम करा है, और ये क्षणिक भावुकता के अंदर चुनाव के अंदर मत डालने का जो तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ना कि कांग्रेस पार्टी की। इसलिए ये पहला सवाल ही, और ये जो पूरी की जो आपकी जो बहस है कि कांग्रेस हिंदुत्व को मुद्दा बना रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। हम लोग सबको साथ लेके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता हमारे खून के अंदर बसी हुई है। राहुल गांधी सर्वधर्म संभाव जी, नहीं देखिए ये नहीं ये बात नहीं है। जब आप बार बार एक बात के ऊपर अटैक करेंगे, बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, तो ये प्रश्न उठता है, ये पूछना पड़ता है, क्या हिंदू धर्म ये है कि जो दूसरे धर्मों से लोगों को लड़ाए? क्या हिंदू धर्म तब ध्यान नहीं आता जब जयपुर के अंदर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, जब यहाँ पे गौशाला के अंदर हजारों गायें मर जाती हैं, तब हिंदू धर्म याद नहीं आता? काय के हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व की बात उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों ने हिंदू के जो
जो मूल सिद्धांत हैं, सबको साथ लेने के सिद्धांत हैं, सबको अपने संग आलिंगन करने के सिद्धांत हैं, प्रेम सद्भावना बढ़ाने के सिद्धांत हैं, जो उनके पोषक हों वो सच्चे हिंदू हैं। और कांग्रेस पार्टी उस मायने के अंदर सच्ची हिंदू भी है, और कांग्रेस पार्टी हर धर्म के साथ प्रेम के संग जीना चाहती है, लोग साथ लेना चाहती है। इस देश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन को आप अलग नहीं कर सकते। जी 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 राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब हिंदुत्व का मतलब उस पार्टी से समझा जाएगा जो पार्टी हिंदुओं को आतंकी मानती है, हिंदुओं को पाकिस्तानी मानती है, हिंदुओं को तालिबानी मानती है, और जो हिंदुओं को निपटाने की बात करती है वो पार्टी। और हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है लश्कर तैयबा से, टिमोथी रोमर, आपको गलत बात करें। हिंदू के नाम पे खाली आप करिए हिंदू पाकिस्तानी, हिंदू तालिबानी, हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक, हिंदू आतंकवाद लश्कर ए तैयबा से ज्यादा खतरनाक। और वो जो एनकाउंटर हुआ था सर, बटला हाउस, सब सोनिया गांधी रोई थी, तो ये सारी चीजें फिर थोड़ी ना हिंदू भूल जाएगा सर। अब चुनाव आते हैं तो आपको हिंदू याद आते हैं। तरुण चुग, मोदी नकली हिंदू है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम ऐसा है कि जिनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है कि वो हिंदू हैं कि नहीं है, वो इस प्रयास में लगे हैं कि हमें हिंदू साबित होना है। तो मोदी को हिंदू साबित नहीं होना, मोदी क्या है वो देश की जनता जानती है। और मैं हैरान हूँ जिस देश के अंदर, जिस देश के संविधान में ये कहा कि किसी भी रिलीजन, जाति, पंथ, लिंग, धर्म से आप आते हैं, आप देश के लिए काम करिए, आगे आइए, वहाँ पर आज भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता अध्यक्ष अपने आप को, अपने धर्म को बताने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये वोट बैंक की राजनीति ने, पता नहीं राहुल गांधी ने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इस वोट बैंक की राजनीति ने राहुल गांधी का धर्म बदला, जाति बदली, बदल दिया है गोत्र। दादा दबे हैं जमीन में, पंडित होंगे पोत्र। इनसे पूछिए कि राहुल गांधी जी, किसी ने आपसे पूछा है कि आप हिंदू हैं कि नहीं हिंदू हैं? आप आइए ना, देश का काम करिए, आप अपने आप को सिद्ध करके बताइए, कुछ देश के लिए करके बताइए। लेकिन आप तो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। इन आपके पिताजी का नाम है श्री राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के पिताजी का नाम है फिरोज गांधी, फिरोज खान गांधी, फिरोज खान गांधी के पिताजी का नाम है फिरोज जाहिद खान गांधी, उनके पिताजी ना का है जाबर मोहम्मद शीर खान। बीजेपी तो बोलती है नकली हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। बीजेपी तो बोलती है शर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, नकली हिंदू है, तो जवाब तो देंगे ना। दादाजी का नाम क्या है, उनके पर दादाजी का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है? अरे हमने तो पूछा ही नहीं। ये तो आप खुद जाके ये प्रेस में कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मेरे से गीता का ज्ञान लीजिए। अरे भैया आइए ना किसी मठ में बैठिए, गीता का ज्ञान पहले सीख तो लीजिए, फिर देने जाइएगा। और इस देश के अंदर आप झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? आप जिस धर्म से आते हैं, जिस सुषमा स्वराज ने अभी कहा, तो कली का जनता को बताने में राहुल गांधी अपने धर्म को लेकर, आप ही तो बार बार सवाल उठाते हैं राहुल गांधी के हिंदू होने पर, केवल वो जवाब तो देंगे ना। सर्टिफिकेट आपसे ही तो मिल रहा है, मेरे को लग रहा है। आप ही तो बार बार, सुषमा स्वराज ने कल कहा है कि राहुल गांधी को अपने हिंदुत्व होने पर कंफ्यूजन में है, वो तो जवाब तो देंगे ना सरकार। वो मेरे बड़े भाई, वो केवल केवल हिंदू होने के कंफ्यूजन में नहीं है, असल में उन्होंने कर्नाटका चुनाव में अपने आप को अगला प्रधानमंत्री घोषित किया और कर्नाटका में आज उनको सरकार बनानी पड़ी जनता दल यू के साथ। देश के अंदर चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनको कोई नेता नहीं मानता, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक उनको कोई नेता नहीं मानता, अपनी पार्टी के लोग उनको नेता नहीं मानते, गठबंधन तो बहुत दूर। इस कंफ्यूजन, इस मेंटल प्रेशर के अंदर वो ये कार्ड खेल रहे हैं और अपने आप को हिंदू सिद्ध करने के लिए वो सारी का बात कर रहे हैं। हमें हिंदू सिद्ध नहीं करना, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना और ना किसी को सर्टिफिकेट देना है, पर उनको ये बताना तो पड़ेगा कि उनके पिताजी के पिताजी का नाम क्या था। अगर उन्होंने कहा है तो खुल के बताएं कि वो कौन सा गोत्र है जो फिरोज जहांगीर खान के साथ चलता है, वो कौन सा आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं। तरुण चुग साहब एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य, ये असली हिंदू वर्सेस नकली हिंदू हो रहा है, मतलब हिंदुओं को भी बांट दिया गया क्या? अब सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप नकली हिंदू हैं, आप असली हिंदू हैं, ये असली हिंदू नकली हिंदू क्या होता है सर? नहीं, असली हिंदू 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 है साहब, हिंदू का बंटवारा नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे वो ऊपर
से लेकर नीचे तक जो भी विराजमान है वो सब हिंदू हिंदू की वास्तविक डेफिनेशन ही है। आज मुझे समझ में नहीं आती इस देश के अंदर कैसे लोग कह रहे हैं कि असली हिंदू और नकली हिंदू, अच्छे हिंदू, खराब हिंदू। आज जो इस राजनीति के अंदर जो वातावरण, नहीं बिल्कुल साहब, जो राजनीति के जो हाल जा रहा है, परंतु एक बात बड़ी अच्छी ये हो रही है कि इस देश में इस वक्त अपने आप को हिंदू दिखाने की जो दौड़ लग गई है वो सबसे अच्छी हो रही है। पहले, आज से पहले 70 सालों में हमने केवल टोपी पहनने की होड़ देखी थी कि इस देश में टोपी पहनने की होड़ लगती थी कि कौन सा अच्छा मुसलमान अपने आप को दिखा लेता है, कौन सी दाढ़ी रख ले, कौन टोपी रख ले। परंतु इस देश में जो परिवर्तन आया है वो अब अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए हो रहा है। अब उसी में बाइफोकेशन, हिंदू ने अपनी ताकत पहचान ली है, भारतीय संस्कृति के सनातन पद्धतियों ने अपनी ताकत पहचान ली है, तो बहुत सुंदर है जो हो रहा है और लोगों के सामने सच्चाई आ रही है कौन क्या है। ठीक ठीक राजेंद्र राज, जो कि सीने जलने से राजेंद्र राज, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि हिंदू होड़ है, सबसे बड़ी अपने आपको बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ है सर, लेकिन ये भी राज्य देखकर तय होता है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में तो हिंदू होड़ लगी है, तेलंगाना में चुनाव है तो वहां मुस्लिम घोषणा पत्र आ रहा है, वहां पर क्रिश्चियन मैनिफेस्टो आ रहा है, तो ये राज्य के हिसाब से हिंदू होड़ मुस्लिम होड़। राजेंद्र राज, अमन जी बहुत साफ बात है, राहुल गांधी जी ने कल जो बात कही वो बात सही है कि हिंदू मोदी हिंदुत्व के बारे में क्या जानते हैं, या वो बात सही है जो 5 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता सीपी जोशी ने राजस्थान में कहा था कि रितम्बरा जी जानती हैं कि हिंदू धर्म क्या है, या उमा भारती जानती हैं कि क्या है, या नरेंद्र मोदी जानता है। तब राहुल गांधी ने इसी बयान को लेकर के ट्वीट किया और उनसे कहा कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये गलत है और कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत है। तो वो बात गलत थी, माफ़ी मंगवाना गलत था, या ये कल जो उन्होंने बयान दिया कि हिंदू के नाम लेकर प्रधानमंत्री से हिंदू के बारे में पूछना, या विकास की बात करना, राजस्थान में जो स्थिति बन रही है, जो स्थिति इनकी अच्छी चल रही थी, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी लगने लगा है कि कागली विकास के मुद्दे पर या बीजेपी की जो असंतुष्टता है, जो नाराजगी है जनता में, उससे वोट नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व के नाम पर भी कुछ वोट लेने पड़ेंगे, तभी लगेगा लोगों को कि हमारा बहुसंख्यक समाज में अपना कुछ महत्व है। तो मेरा बहुत साफ साफ निवेदन है कि राहुल गांधी पहले तो या तो ये तय कर लें कि सीपी जोशी सही थे, या वो तय कर लें कि कल उन्होंने जो बात कही है वो सही है। अभी तक उनके बारे में जो एक धारणा बनी हुई है कांग्रेस की, अब मुझे लगता है आपने जो कहा कि असली हिंदू और नकली, इसको यो भी कहते हैं पुरानी बात में कि आपकी कमीज ज्यादा सफेद या मेरी कमीज सफेद, तो ये जो गरम और नरम हिंदुत्व की जो बात है ये चल रही है, और ये एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस जो है जो गुजरात के चुनाव के समय से बीजेपी के ट्रैप में फंसी और जो कर्नाटक तक लेगा लिंगायत को लेकर के अलग बंटवारे में करी, अब जाकर के गुजरात में राजस्थान में फिर वही स्थिति बनी है। तो मंदिर मुद्दे को लेकर के जो बात शुरुआत की थी बीजेपी ने कांग्रेस को अपने ट्रैप में जाल में फंसा लिया, राजस्थान में हो रहा है, हम लोग तो राजस्थान में है सर पिछले 2 हफ्तों से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कांग्रेस क्या बीजेपी के ट्रैप में फंसती नजर आ रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की पिच पर खेल रही है कांग्रेस क्या, क्योंकि कांग्रेस चाहे तो एंटी इनकम्बेंसी, राजस्थान में सत्ता की अदला बदली का इतिहास एक पार्टी रिपीट नहीं हुई है, एंटी इनकम्बेंसी है, विकास पर घेरा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस भी हिंदुत्व का कार्ड अगर चल रही है तो वो बीजेपी के क्या ट्रैप में फंस रही है, वो बीजेपी की पिच पर खेल रही है क्या? और बीजेपी की पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को हराना उतना आसान नहीं होगा, ये कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है। हिंदू मुस्लिम अगर हुआ चुनाव तो पोलराइजेशन ज्यादा दूसरी तरफ होगा, ये रिवर्स पोलराइजेशन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मौलाना हाजे खान जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, मौलाना हाजे खान, बीजेपी तो ये भी कहती है कि हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व का किसी धर्म से थोड़ी ना लेना देना है। नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 71, जिसमें लिखा गया है हिंदुत्व जो है वो समाज की सांस्कृतिक पहचान है, द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ए सोसाइटी। किसी मतलब जो आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू, हिंदू होना धर्म नहीं है, वो तो एक सांस्कृतिक पहचान है। मौलाना आजिक खान, देखिए अमन साहब, ये जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष जो कांग्रेस और बीजेपी कर रहा है हिंदुस्तान में, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, इन्हें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। इस मुल्क में रहने वाले 125-30 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो एक जिस्म के मानिंद हैं, एक दीवार के मानिंद हैं।
अगर कोई मुल्क तरक्की करता है, उस मुल्क के सारे लोग मिलके जब उस देश के लिए विकास करते हैं तो मुल्क तरक्की करता है। बात रही कौन हिंदू बड़ा है, कौन हिंदू छोटा है, ये धार्मिक आस्था होती है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। बल्कि दोनों पार्टियों को ये बताना चाहिए कि राजस्थान में उन्हें जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी की अब 5 साल से सरकार है, चुनाव आया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रदेश के लोगों को यह दिखाना चाहिए कि ना कि हिंदू और मुसलमानों के नाम पर वोट मांगना चाहिए, बल्कि ये दिखाना चाहिए कि हमने विकास में ये किया है। बात बताएंगे, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दे। एक मिनट, इस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। चलिए आप कंप्लीट करिए, मौलाना आजम खान कंप्लीट करिए। देखिए ये देश ऐसा है जिसको आप कह रहे हो, कंप्लीट करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है, इसी को अल्लामा ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसका मतलब है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं, हिंदुस्तानी मजहब किसी में रहता हो, आदमी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, रोक रहे हैं आपको ये कहने से। इस हिसाब से तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदुस्तानी हिंदू है सर। हिंदी आजम खान, फिर तो आप भी हिंदू है ना, फिर इस हिसाब से तो जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदी है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, हिंदुस्तान का हिंदी है, सारे हिंदी लोग हैं, कल्चरल आइडेंटिटी है, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान नाम भी मुगलों ने रखा था, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको बता दें राहुल गांधी को जो कंफ्यूज हिंदू कहा गया सुषमा स्वराज की तरफ से, और रविशंकर प्रसाद की तरफ से जो जवाब दिया गया राहुल गांधी के बयान को लेकर, उसको लेकर पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से अब हमला बोला गया, और ये कहा गया कि जानबूझकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है बार बार, सुषमा स्वराज की तरफ से, रविशंकर प्रसाद की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। क्या आरोप लगाया पीएल पुनिया ने, सुनिए आप। जितने मुद्दे राहुल गांधी जी उठाते हैं, ना तो सुषमा जी, ना इनके प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री उसका जवाब नहीं देते, और उसके विपरीत उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी इस तरह के बयानों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, जनता का मूड है, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, सुषमा जी भले ही कोई बयान दे दें। अजीब अरोड़ा साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है, राहुल गांधी खुद हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ तो किसने कहा था उनसे हिंदुत्व पर चर्चा करने के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं, खुद हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, और सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि वो जवाब क्यों दे रहे हैं, राहुल गांधी खुद खेल रहे हैं हिंदुत्व का कार्ड। राजीव अरोड़ा, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि क्योंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देश या प्रदेश का जो किसान है वो अपने कर्ज माफी की बात कर रहा है, आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, यहाँ का जो रोजगार के लिए जो युवक बैठा हुआ है वो अपनी बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहा है। राजीव अरोड़ा साहब, राहुल गांधी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं क्या? धर्म की बात, राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं क्या? आप राहुल गांधी पूछ रहे हैं मोदी हिंदू किस तरह के, किस किस्म के हिंदू है, गीता ज्ञान दे रहे हैं, नकली हिंदू असली हिंदू का जवाब हिंदुत्व पर पाठ राहुल गांधी पढ़ा रहे हैं सर। यहाँ पे बैठा हुआ हिंदू पर सवाल पूछेंगे तो जवाब किसान अपने मुद्दों की बात करना चाहता है, कोई भी जरा धर्म के ऊपर बात करना नहीं चाहता। आप अगर उनसे कोई प्रश्न पूछेंगे, उन्होंने उसका सही जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के हिंदुत्व की आप बात करते हो वो हिंदुत्व तो नहीं है, राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल में राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, राहुल गांधी गलत मुद्दे उठा रहे हैं आपके हिसाब से, है ना? राहुल गांधी मतलब राजीव अरोड़ा सही कह रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी सही बात कर रहे हैं, हिंदुत्व का तरीका ये नहीं है देश में लोगों को लड़ाना, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि जब चुनाव आए तब आप राम मंदिर की बात करना, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप गो की रक्षा नहीं करना, क्या हिंदुत्व है? हिंदुत्व वो है जो सबको साथ लेके चलता है और देश के विकास में काम करता है। हाँ तो हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है ना, फिर इसलिए उठा रहे राहुल गांधी, ठीक है, अच्छी बात है, आप भी ये समझ रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है ना, इसलिए राहुल गांधी हिंदुत्व का मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं जिनके पास बताने के लिए विकास नहीं है, जिनके पास आगे का विजन नहीं है, जिनके पास आगे का विजन नहीं है। तरुण चुग, मुझे एक बार बताइए, जवाब दीजिए, जब साध्वी रितंबरा साध्वी को आपने, साध्वी प्रज्ञा को आपने,
हिंगोजे घोषाले में हजारों गाये, जब आपके हजारों गाये अभिषेक कर मर गई। यहाँ बोलते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तब कहाँ गया था हिंदू धर्म? तब हिंदू तालिबानी होता है, तब कहाँ गया था आपका धर्म? यहाँ पे जो मजाक करा गया है, जनता के संग हिंदू के नाम पे धोखा दिया गया है, जनता को कोशिश करके मरगलाया जाए, सड़क भावुकता दी जाए, वोट दिलवाया जाए, चलने वाला नहीं है आपके आपके राजस्थान में, चलने वाला नहीं है। जनता दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, ये नारे झुके हो चुके, खत्म हो गए नारे। अरे भैया मेरे, अभी आप गोरक्षा की बात उठाई, मुझे बताइए केरला में आपके गोरक्षा दूसरी हो जाती है क्या? केरला में आप भी सड़क पे गाय कटवा देते हैं। राजस्थान की बात करो, आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात करो, राजस्थान की जनता जानती है, पूछ रही है, गाय के मंदिर क्यों नहीं गए? राजस्थान की जनता पूछ रही है, हजारों गाय कैसे मरी? काम कर जाओ, चुनाव होगा तो गाय काटे जाएगी, कोई नहीं। यहाँ पे चेहरा नकाब हो चुका है, चेहरा बेनकाब हो चुका है आपका, चरित्र थोड़ी ना बदल जाएगा चुनाव के हिसाब से। जनता आने वाली नहीं है, राजीव अरोड़ा जी, चरित्र थोड़ी ना बदल जाएगा चुनाव के हिसाब से, चरित्र तो वही रहेगा ना चुनाव के हिसाब से, चरित्र या धर्म थोड़ी ना बदल जाएगा। जो केरल में चरित्र है, राजस्थान में चरित्र बदल जाएगा। आप राजस्थान की बात करो भाई साहब, राजस्थान की बात करो, चलिए राजस्थान में सिफर आने वाला है। राजस्थान की बात करेंगे, तेलंगाना की बात होगी तो मुस्लिम मैनिफेस्टो की बात होगी, राजस्थान की जनता तेलंगाना की बात होगी तो मुस्लिम मैनिफेस्टो की बात होगी, क्रिश्चियन मैनिफेस्टो की बात होगी। ठीक है राजीव अरोड़ा जी, देखिए बहुत गजब का पाखंड है, तेलंगाना में मुस्लिम मैनिफेस्टो होगा, तेलंगाना में क्रिश्चियन मैनिफेस्टो होगा, केरल में गाय काटी जाएगी, राजस्थान में हिंदू हिंदू जपा जाएगा, राजस्थान में गीता ज्ञान होगा, हिंदुत्व पर पाठ पढ़ा जाएगा। सर एक रह ये ना बदलिए मत ना इतना, चरित्र थोड़ी ना बदल जाता है चुनाव के हिसाब से, धर्म थोड़ी ना बदल जाता है। क्या किया बताइए तरुण चुग, धर्म क्या किया हिंदू धर्म के लिए? तरुण चुग विकास की बात करो, लोगों की बिजली की बात करो, वृद्धाओं की पेंशन की बात करो, निःशुल्क जांच की बात करो। टोटल कंफ्यूज्ड है, पूरी कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। तरुण चुग, पंडित नेहरू जी ने कहा था कि आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, एक्सीडेंटली हिंदू हूं मैं, पंडित नेहरू जी ने कहा था, वहां से कांग्रेस शुरू हुई और अब एक बार उनको फिर लग रहा है कि हम हिंदू हैं, ये बात कहीं सिद्ध की जाए। अपने गोत्र बताए जा रहे हैं, नाना के गोत्र को जोड़ा जा रहा है। ये चुनाव आप आइए ना, उन मुद्दों पर लड़ें जो मुद्दे राजस्थान को चाहिए, लेकिन राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में हुए काम, देश के गरीबों के लिए मोदी के किए काम को छोड़कर कांग्रेस के अध्यक्ष अपने आप को गीता ज्ञान का वो शुरू कर देते हैं और मुस्लिम मैं हूँ ये बताते हैं, तो बताएं कि उनके दादा कहाँ, उनका संस्कार हुआ था कि कहाँ उनको दफन किया था। हमें कोई दिक्कत नहीं, दफन करने वाला भी हिंदुस्तानी है और जलाने वाला भी हिंदुस्तानी है, उसमें हिंदुस्तानी होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी अगर आप हैं तो बताएं, जो आप ज्ञान राजीव अरोड़ा को दे रहे हैं, जो आप ज्ञान राहुल गांधी को दे रहे हैं तरुण चुग साहब, नहीं नहीं वो ज्ञान योगी आदित्यनाथ को भी दीजिए ना, वो भी तो अली और बजरंग बली का खेल खेल रहे हैं सर, वो देंगे, वो भी तो पोलराइज कर रहे हैं, अली बजरंग बली भैया वो भी तो वही कर रहे हैं ना सर, कल तक अगर राहुल गांधी पोलराइज कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कौन सा कार्ड खेल रहे राम का अस्तित्व, आपको अली मुबारक हम बजरंग बली, आप अली बजरंग बली क्यों बांट रहे हैं? राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम मंदिर का प्रश्न ही नहीं, राम सेतु का अस्तित्व नहीं, ये एफिडेविट कांग्रेस की सरकार ने दिया। और अभी कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता अदालत के अंदर, अरे भैया सब फैक्ट्स है, आपको जानकारी है, मैं कुछ जानकारी ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। और मेरे को याद है उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता गाडगिल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि अगर राम का अस्तित्व। और दूसरी बात इनसे पूछिए, भगवा आतंकवाद किसने कहा? अपने पाकिस्तान का सारा आतंकवाद का आरोप कहीं आरएसएस और हिंदू संगठनों पे पड़ जाए, इसलिए बम कांडों को आरएसएस से और हिंदू से जोड़ दिया। इस देश के अंदर आज तक ये शब्द किसी ने सुना नहीं था, ये कांग्रेस की डिक्शनरी से बाहर निकल के आया। और इस देश के अंदर कोई आपने कभी देखा, एक समय था कि इस देश के अंदर गर्म टोपी जो केवल एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करती है, वो गर्मियों में डाल के एक प्रधानमंत्री काम करते रहे। और ये मैं समझता हूँ हमारी विचारिक जीत है,
कि आज इस देश के अंदर देश की राष्ट्रवाद की चर्चा शुरू हुई है, लेकिन हमारे राष्ट्रवाद में बजरंगबली क्यों कर रही है बीजेपी? बजरंगबली क्यों कर रही है बीजेपी? बजरंगबली की जाति क्यों बता रही है बीजेपी? आप भी तो वही कर रहे हैं सर। अरे भैया बजरंग नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं कर रहे। हम इस देश के मूल तरुण चुप साहब जो है झूठ बोल रहे हैं, सारी बातें झूठी कर रहे हैं। इस देश का इनके सवाल अमन जी आपने कुछ किया, जवाब कुछ और दे रहे हैं। पहले इनसे तो ये कहिए जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दें। इस देश का मूल राजस्थान की जनता के लिए क्या किया इनसे पूछिए। आराध्य राम है इस देश के, आराध्य और इस देश का कोई इतिहास अली नहीं है भैया, इस देश के इतिहास पुरुष राम है, इसमें हमें कोई वहम नहीं है। और इस बात को हम आज से नहीं कई सालों से कह रहा है, जनता कह के हक में धूल आप जो कर रहे हो। आपने तो इस देश के अंदर आप जो कर रहे हो मुस्लिम बताते नहीं हो, मुस्लिम ईसाई इन नामों से घोषणा पत्र जारी किए इस देश के अंदर। आप स्टेट का मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ कौन अध्यक्ष होगा, किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा, उस और शाहबानो केस में क्या हुआ, क्यों किया शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला क्यों, बताएं क्यों? बाटला कांड में एक आतंकवादी के मरने पर राज में रही है सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू आते हैं, लेकिन कार से बच चल देते हैं। आज तक सोनिया गांधी ने दुख नहीं प्रकट किया। बाटला कांड में जो आंसू आता है खेल का कोई सैनिक आप लोग भी तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं। रोटी कपड़े मकान की बात करो, पानी की बात करो, बिजली की बात करो, नहीं नहीं आप बताइए ना क्यों नहीं आंखों में आंसू आते हैं? भारत का सैनिक राजस्थान से इतने बेटे सेना में कभी कोई सैनिक शहीद हुआ हो और अगले दिन खबर आई हो सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू आ गए? सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू किसी धर्म के व्यक्ति चाहे वो आतंकवादी हो उसके मरने पे आते हैं। जब नारे लगते हैं भाई साहब अरोड़ा जी, जब नारे लगते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है तेरे का दिल जिंदा है, तो राहुल गांधी तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी जाकर उनके पास बैठ जाते हैं। राहुल गांधी को लगता है कन्हैया कुमार के माध्यम से राजेंद्र वर्ग का वोट मेरे को मिल जाएगा। क्यों राजेंद्र का, क्यों गए राहुल गांधी का, क्यों गए राहुल गांधी, क्या रिश्ता आतंकवादियों के साथ, क्या रिश्ता है अफजल गुरु के साथ? एक मिनट में ऑडियो बंद करना पड़ेगा सर, मुझे आगे जाने दीजिए, और भी गेस्ट हैं सर प्लीज। राजेंद्र राज जी सीने जलने से, राजेंद्र राज जी कांग्रेस के पास मौका है राजस्थान में, राजस्थान में जैसा मैंने बताया 25 साल में कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई है, सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है, तो सबसे बड़ा मौका गोल्डन चांस राजस्थान में है। आपको नहीं लगता ये बीजेपी की हिंदुत्व पिच पर बैटिंग करके कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो जाएगी कहीं ना कहीं? हाँ मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, घेर सकती है बीजेपी। अमन जी आप निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में हवा है, कांग्रेस का अपर हैंड है, ये बात निर्विरोध रूप से कही जा सकती है, और चार दिन पहले तो और अच्छी तरह से कही जा सकती थी, लेकिन लग रहा है चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है कांग्रेसियों को खुद को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हम क्या जीत पाएंगे क्या। क्योंकि मैं इस बात से क्या जोड़ना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले ठीक वसुंधरा राजे की सरकार थी और तब भी इनकन्विंसी थी, लोगों की नाराज़गी थी, भाजपा से बहुत नाराज़गी थी, लोग असंतुष्ट थे, नाराज़ थे, और उस समय के जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस केवल 96 पर सिमट गई थी, 96 पूरा स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, लेकिन बीजेपी 79 पर सिमट गई थी। अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से अगर 10 सीटों का इधर से इधर आ जाता है तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ये समझ में आ गया है कि एंटी इनकन्वेंसी तो है, लोगों की नाराजगी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाथ में उतनी ताकत नहीं आ रही है कि हम स्पष्ट बहुमत में, इस चांद को समझ करके शायद ये खेला गया है और ये गलती की जा रही है और इस गलती में कांग्रेस फंस रही है। सत्ता आते आते उनके हाथ से जा सकती है ऐसा स्थिति में लग रहा है, इन्होंने जानबूझ करके एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी को और ये बीजेपी इस बात को ले लेगी। क्योंकि एक बात और कही जा सकती है कि जब आज से 10 साल पहले के चुनाव में कांग्रेस के पास बहुत सारी चीज़ें थी, आज बीजेपी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, आज बीजेपी की दिल्ली में सरकार है। दूसरी चीज़ उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बीजेपी के साथ नहीं लगे थे, आज वो उसके साथ लग चुके हैं। तीसरा तुरप का पत्ता भी बीजेपी
के पास है और वो है नरेंद्र मोदी। इन तीन तथ्यों के देख करके लगता है कि बीजेपी के पास जो चीजें बदलने वाली थी उनको रोकने की क्षमता बढ़ रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि जो सत्ता की थाली उनके पास आ रही है वो उनसे अब खिसकती नजर आ रही है। चार दिन पहले उन्होंने जिस चीज को उसी चीज को उन्होंने खुद खेल दिया। ठीक मौलाना अजय खान, 30 सेकंड्स आपको, 30 सेकंड्स आपको। चुनाव देख के चुनावी धर्म तय होता है, देखिए तेलंगाना में मुस्लिम मैनिफेस्टो आएगा, वहां मुस्लिम या हिंदू। मैं इस आपके चैनल के आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता से अपील करूंगा कि वो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी बात भी सुन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनकी बात भी सुन रहे हैं। और इसमें कौन तथ्य पेश कर रहा है और कौन झूठ की बातें कर रहा है, इसको इस प्रदेश की जनता को सोचना होगा। और प्रदेश की जनता को इस बात पर उन्हें वोट देना चाहिए, किसी को भी वोट दें, कि प्रदेश के बिजली मुहैया है या किसानों को सुविधा है, क्या चीज़ उन्होंने दी है पिछले सरकारों में। मैं उनसे इस शेर से कहूँगा, मिट्टी से अपने जो भी वफाएं ना कर सका, मिट्टी से जो अपनी वफाएं ना कर सका वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। जनता बहुत बुद्धिमान है, बहुत सब समझ रहे हैं इस देश में क्या हुआ है पिछले 70 सालों में। इस देश में जिस प्रकार की राजनीति, 70 साल के भी देखना होगा और आपका भी देखना होगा पंडित जी, देश को 70 साल में भी क्या हुआ उसको देखना होगा और 5 साल में क्या हुआ भी देखना होगा। देश की जनता सबसे बड़ा फैसला करनी है, ये अदालत जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये दिन इंसान का मुंजिम मजिस्ट्रेट है, गलत सही पेश करता है, ये सही बात पेश करता है, दिमाग गलत सोच सकता है। वोटर सारी बात, वोटर्स ये भी समझते हैं कि कौन चुनाव के लिए चुनावी हिंदू हो रहा है, कौन हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट बांट रहा है। लेकिन अब 4 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है और इसी वजह से अब हिंदुत्व की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है राजस्थान में, यानी कि असली हिंदू और नकली हिंदू की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है।